इज़ वेलकम टू योर ऊन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद लक्ष्मी आयुर्वेद में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है एंड टूडे स्टॉप इज़ एलोवेरा जूस आज मैं इस वीडियो में आपको एलोवेरा जूस के बारे में सभी जानकारियाँ दूंगी बताने वाली हूँ इसके फ़ायदे क्या क्या है इससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको कैसे मिलेंगे इन सब बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज कॉल्ड एलोवेरा जूस सबसे पहले मैं आपको इसकी बोतल दिखा देती हूँ एलोवेरा जूस की ये देखिए इसमें कुछ एलोवेरा के प्रिंट्स बने हुए हैं ये डाबर कंपनी की एलोवेरा जूस है ये ग्रीन कलर की ये देख सकते हैं आप एलोवेरा के इसमें प्रिंट्स बने हुए हैं और ग्रीन कलर की इसकी पैकिंग भी दी है क्योंकि एलोवेरा ग्रीन कलर की होती है इसलिए इसकी पैकिंग को भी ग्रीन कलर का बनाया गया है बहुत खूबसूरत पैकिंग है ये ये डाबर कंपनी की एलोवेरा जूस है तो एलोवेरा जूस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आप सब ने इसका नाम सुना ही होगा बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे तो बता देती हूँ आइए किसके और क्या क्या नाम है एलोवेरा जूस को घृत कुमारी या गवार पाठा भी कहा जाता है इसे हिंदी में घृत कुमारी भी कहा जाता है गवार पाठा भी कहा जाता है एलोवेरा जूस में बहुत सारे विटामिनस मिनरल्स uh, और एंजाइम्स होते हैं जो आपके पूरे शरीर को डिटॉक्सीफाई करती है यानी कि क्लेंज करती है यानी कि साफ़ करती है आपके पूरे शरीर को uh, साफ सुथरा करती है ये अंदर जैसे जाती है आपके पूरे सिस्टम को साफ करती है तो एलोवेरा जूस में सारे गुण पाए जाते हैं ये बहुत अच्छी औषधि है आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा इसे मानी गई है तो आइए देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये सबसे पहले तो ये खून की कमी को दूर करती है यानी कि अगर किसी का ब्लड कम है तो ब्लड की कमी को भी इसके सेवन से हम दूर कर सकते हैं एलोवेरा जूस अगर आप पीते हैं तो आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी खून को यह प्योरीफाई भी करती है यानी कि खून को साफ करती है खून को प्योरीफाई करके आपके खून को ये फ़्रेश बनाती है ब्लड सर्कुलेशन को भी एलोवेरा जूस जो है वो ठीक कर देती है अगर किसी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है नियमित से नहीं हो रही है तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन को भी एलोवेरा जूस ठीक करती है ये हमारे पाचन तंत्र में भी बहुत काम करती है ये हमारे पाचन तंत्र को पूरी ठीक करती है इसके सेवन से अगर हम एलोवेरा जूस का सेवन कंटिन्यूस करें तो इसके सेवन से कब्ज़ यानी कि कंस्टिपिकेशन गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है यहाँ तक कि बाबा सिर में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है बाबा सिर की शिकायत भी इसके नियमित सेवन से बहुत हद तक ठीक हो जाती है और गैस एसिडिटी कब्ज़ की प्रॉब्लम तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है लेकिन इसका सेवन आपको नियमित रूप से करना होगा और हाँ बता दूँ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं बहुत लोग एलोवेरा जूस का प्रयोग वेट लॉस में करते हैं तो वेट लॉस करने के लिए आपको 10 एम एलोवेरा जूस के साथ टेन एम जो है आंवला जूस का भी प्रयोग करना है इन दोनों के कम्बिनेशन से जो है आपकी वेट लॉस एकदम हंड्रेड परसेंट होगी और सुबह सुबह खाली पेट आपको दोनों को टेन एम एलोवेरा जूस को और टेन एम आंवला जूस को लेना है इससे आपकी वेट लॉस में बहुत मदद मिलेगी और बहुत जल्दी आप वेट लॉस करेंगे खाली पेट इसका आप सेवन करें यह जो है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है ब्लड हाई बी के पेशेंट भी इसे लेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ये दूर रखती है कोलेस्ट्रॉल को भी ये ठीक रखती है अगर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट भी इसे लेते हैं तो भी इसे बहुत फ़ायदा मिलेगा ये एक वर्ड में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है पूरे बॉडी की ये सफाई करती है तो आपकी प्रॉब्लम चाहे कोलेस्ट्रॉल की हो बीपी की हो या अदर कोई भी हो जब आपकी पूरी बॉडी क्लेंस होती है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स साथ में आपके ठीक होने शुरू हो जाते हैं एलोवेरा का जूस पीने से कई तरह के कैंसर से भी हम बच सकते हैं ये एक बहुत अच्छी बात है बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते हैं इसे हल्के में लेते हैं एलोवेरा को एलोवेरा एक बहुत बड़ी औषधि है मैं बता देती हूँ आयुर्वेद में इसके कई फायदे कई गुण के बारे में विस्तार से बहुत सारी किताबें हैं तो ये जो है इसके बहुत फ़ायदे हैं यहाँ तक कि ये कैंसर को भी बहुत सारे कैंसर को भी ठीक करती है जैसे कि लीवर कैंसर ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट्रेट कैंसर इन सब कैंसर से ये एलोवेरा जूस हमारे शरीर को बचाती है बचाव करती है तो आप देख सकते हैं कि एलोवेरा के कितने अच्छे फ़ायदे हैं और एक नॉर्मल सी ये तो सभी जानते होंगे हमारे बालों और स्किन के लिए भी एलोवेरा जो है बालों के लिए भी बहुत अच्छी है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है अगर आप एलोवेरा जूस का सेवन रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपके बाल झड़ना कम हो जाते हैं और टूटना कम होते हैं ये शाइनी हो जाते खूबसूरत हो जाते हैं आपके बाल और हाँ डैंड्रफ की समस्या भी दूर होने लगती है एलोवेरा के सेवन से डैंड्रफ की समस्या भी दूर होने लगती है और स्किन में भी ये बहुत ग्लोइंग ग्लो करती है अगर आप इसका सेवन करते हैं एलोवेरा को लोग लगाते भी हैं स्किन में आप तो जान बहुत सारे लोग जानते भी होंगे तो एलोवेरा का सेवन करें या उसे लगाएं स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी है स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है आपकी स्किन स्किन जो है वो निखर जाएगी बहुत अच्छी होती है एलोवेरा स्किन के लिए यह स्किन को इलास्टिसिटी देती है और इससे क्या होता है कि कोलाजन प्रोडक्शन जो हमारे स्किन का होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है तो जिसकी वजह से जितने काले धब्बे होते हैं दाग धब्बे कालापन स्किन में वो सारे धीरे धीरे हटना शुरू हो जाते हैं और आपको एक निखरी सुंदर त्वचा मिलती है तो ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है एलोवेरा और बालों में बाल अगर बहुत ज़्यादा टूट रहे हों तो भी आप एलोवेरा को खा भी सकते हैं और अपने बालों के सिरे पर लगा भी सकते हैं तो भी आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और आपको एकदम घने अच्छे सॉफ्ट शाइनी बाल मिलेंगे एलोवेरा के सेवन से तो आपने देखा कि कितने सारे फ़ायदे हैं एलोवेरा के और भी कई फ़ायदे हैं एलोवेरा के ये जो है हमारे इम्यूनिटीज़ को भी बढ़ाती है आज हम कोरोना काल के दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों और हमें हमें हमारा इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हमें एलोवेरा का सेवन मैं पर्सनली कहना चाहूँगी हम सबको एलोवेरा का सेवन रेगुलरली करना चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी वायरस हमें अटैक नहीं कर पाएगी इसलिए हम सबको एलोवेरा का सेवन रोज करना चाहिए और ये जो है लीवर को भी अगर कि बहुत लोग लीवर संक्रमित रोगों से अगर परेशान हैं तो भी एलोवेरा का सेवन करने से नियमित रूप से कुछ बहुत अच्छे दिनों तक अगर वो दो तीन तीन महीने कम से कम तीन चार महीने तक करेंगे तो धीरे धीरे उनकी लीवर में भी जो है सुधार आना शुरू हो जाएगा वो आप दो फाइल लेते लेते ही महसूस करेंगे कि आपको सुधार कितनी हो रही है तो एलोवेरा कहने का मतलब है कि एलोवेरा एक अपने आप में औषधि है अपने आप में एक आयुर्वेदिक वरदान है प्रकृति प्रकृति के द्वारा हमें दी गई एक वरदान है ये औषधि इसे बनाया नहीं गया है ये नेचुरल फॉर्म में हो जूस फॉर्म में हो ये किसी भी फॉर्म में हो एलोवेरा एक मेडिसिन है जो प्रकृति ने हमें दिया है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए आइए अब बात कर लेते हैं डाबर की एलोवेरा की प्राइस के बारे में तो आप देख सकते हैं ये वन लीटर की जो बॉटल है ये बॉटल एलोवेरा की वन लीटर की है यानी कि एक लीटर की बॉटल है और इसकी प्राइस जो है वो है टू फिफ्टी रुपीज़ यानी कि दो सौ पचास रुपये इसकी एम है प्राइस है और ये वन लीटर की पैकिंग में आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है टू फिफ्टी रुपीज़ में बहुत कम रेट में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है आपके पूरे हेल्थ की कंप्लीट केयर आपको एक पैकेज में मिल जा रही है तो ये एलोवेरा डाबर कंपनी द्वारा निर्मित है बहुत अच्छी रिजल्ट इसकी है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ और एक बात मैं और बता देती हूँ शायद ये बहुत सारे लोग नहीं जानते मुझे पहले बहुत थकान महसूस होती थी और जब से मैं एलोवेरा का सेवन कर रही हूँ आज मुझे फुर्ती महसूस होती है उतना मैं बहुत सारा काम भी कर लेती हूँ फिर भी आ, मैं थकती नहीं हूँ तो ये एलोवेरा थकान को भी दूर करती है तो आप सब इसका इस्तेमाल करें यह आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी ये हमारे लक्ष्मी आयुर्वेद में भी उपलब्ध है और भी आप कहीं से ले सकते हैं होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि न्यू, न्यू न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके मैं आगे भी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों की रिव्यू करने वाली हूं तो न्यू न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और आप जानकार बने रहेंगे तभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे एंड टिल देन टेक केयर बाय